नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शाहपुर थाना क्षेत्र के गोयला गांव में भाक्यू के हरी चुनरी किसान मजदूर चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में भाक्यू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की पत्नी सुनीता बलियान ने दोहराया कि वो क्रांतिकारी परिवार की महिला है और किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी। चौपाल में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विचार हुआ और गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। भाकियों की गोयला में हुई हरी चुनरी महिला चौपाल में सहमति बनी कि महिलाएं अपने पुरुषों से नशाखोरी छुड़वाएंगी और यदि परिवार का पुरुष नशा करता है तो उसे 25 रुपये प्रतिदिन देना होगा। खर्च कम कर आमदनी बढ़ाएंगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगी और समस्याओं को लेकर आपसे चर्चा करेंगी। साथ ही तय हुआ कि 17 नवंबर को सिसोली में महिलाओं की बड़ी पंचायत आयोजित होगी। सशक्तिकरण के लिए संगठन में गांव-गांव में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। महिलाओं को जागरूक करना, उनकी क्या समस्याएं हैं उस पर बातचीत करना, महिलाओं को भारत सरकार की जो पॉलिसी आ रही है उसके बारे में बताना, इनको जागरूक करना। अभी जैसे सरसों जीएम सरसों हारी है उसको प्रमोट कर दिया, उसके बारे में दूध की पॉलिसी, बीज के बारे में, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा उसके बारे में, और जो भूमिहीन किसान हैं, जो भूमिहीन महिलाएं हैं, जो पशुपालन करके अपना गुजारा चल रखती है, उनकी क्या समस्याएँ हैं। राशन की बड़ी समस्या यहाँ पर है, विधवा पेंशन उसकी बड़ी समस्या यहाँ पर है, तो जो ये बुजुर्गों की पेंशन, इनकी सब समस्याएं हैं, उस पर बातचीत करी। यहाँ पे एक कैंप लगवाएंगे, इनसे फिर बातचीत करेंगे। उसमें जब कैंप लगेगा तो उसमें सब महिलाएं अपनी समस्या बताएं। शाहजहांपुर में जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने खिरनी बाग चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में फीता काटकर यातायात माह का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने जन जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से यातायात रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि साथ ही इस मौके पर जिलाधिकारी ने हेलमेट भी वितरित किए हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज की बालिकाओं नेहा देवी और अंकिता सक्सेना ने लोगों को जागरूक करते हुए ट्रैफिक नियमों के विषय में बताया और इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सभी से अपील की गई है। बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नवंबर को यातायात माह के रूप में आयोजित किया जाता है और इस अवसर पे आज हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, सेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं, अभिभावक, उनके शिक्षक, इन सब की उपस्थिति में और तमाम और अधिकारीगणों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। मूल मकसद ये है कि हम लोगों को नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक। गोंडा में अयोध्या 14 कोशी परिक्रम के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की दर्द देखकर एक बार फिर सांसद बृजभूषण शरण सिंह प्रशासन पर भड़क पड़े हैं। सांसद ने परेशान श्रद्धालुओं से बात कर उनकी समस्या जानी है और मौके पर ही सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर प्रशासन से बैरिकेडिंग खोलने की अपील की है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की गाड़ी 12 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर रोक दिया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को 10 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अयोध्या सीमा में प्रवेश करना पड़ रहा है, जिससे श्रद्धालु काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बरेली में 1 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले यातायात माह का चौके चौराहे से बरेली एडीजी राजकुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 1 नवंबर से यातायात जागरूकता हर साल मनाया जाता है और ताकि लोग यातायात के प्रति जागरूक हो सके, सड़क हादसों में जान गंवाने से बच सके, इसको लेकर बरेली जोन एडीजी ने आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक और यातायात नियमों का पालन करने के लिए यातायात जागरूक रैली को बरेली शहर के चौकी चौराहे चौकी पर फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना कर यातायात माह का शुभारंभ किया है।
श्रावस्ती में बीती देर शाम वकीलों के चैम्बर में भीषण आग लग गई है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं इस आग के कारण कागजात समेत सारा सामान जलकर राख हो गया है और साथ ही वकीलों और तहसील कर्मियों का आरोप है कि सूचना के बाद भी दमकल टीम जो थी वहां पर नहीं पहुंची, जिसके बाद वकील और तहसील कर्मियों खुद आग बुझाने में लग गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो बता दें आपको, श्रावस्ती से खबर है जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगने की खबर सामने आई है। आरोप है कि दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई थी लेकिन मौके पर दमकल कर्मी नहीं पहुंचे, जिसके चलते कागजात जो थे वो सभी जल गए हैं। वकीलों के चैम्बर में ये आग लगने की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि श्रावस्ती से खबर है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर सामने आई है। कुमार वर्मा है, तहसील प्रांगण में आग लगी, अधिवक्ताओं का चैम्बर जला हुआ है जिसमें 3-4 लोगों का चैम्बर जल गया है और मान के चलिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपये नुकसान हुआ। चैम्बर में जल गया, कागजात से बहुत शॉर्टकट की वजह से आग लग गया। खबर गाजीपुर से है जहां बेखौफ बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 4 लाख की लूट की है और 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है और घटना से फरार भी हो गए हैं। घटना बिरनो थाना क्षेत्र के ही जयरामपुर चट्टी की बताई जा रही है, जहां पर मौजूद ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रामाशीष यादव से बदमाशों ने हथियार दम पर ही 4 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल सूचना पर मौके पर ही पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूं। अच्छा रामसिंह जी, क्या घटना घटित हुई है अभी आपके साथ? हमने 10:10 पे यहां पे आया और उसके बाद अपना जो शटर खोलने के लिए बैठा, 2 लोगों बाइक के साथ आया और पीछे से हमको पकड़ लिया और हमारे ऊपर कट्टा जो है उनके पास है था उसको सटा दिया, फिर हमसे हाथा बाई हुई। लेकिन एक व्यक्ति जिसका खुद का एक ग्राहक सेवा केंद्र है, वो अपने घर से कुछ पैसे उस ग्राहक सेवा केंद्र में डिपॉजिट करने के लिए मैं जा रहा था, कुछ 2 लड़कों ने स्पेंडर मोटरसाइकिल पे उस व्यक्ति का पीछा धारण किया, बीच में रास्ते में उसको इंटरसेप्ट कर उसके पैसे जो है वो ले लिए, छीन लिए थे। वहीं अमेठी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय का आज एक दिवसीय अमेठी दौरा है। अजय राय आज अमेठी संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ही कई मंदिरों पर पहुंचकर दर्शन करेंगे, साथ ही कांग्रेस नेताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा और बैठक करेंगे। श्रावस्ती में पीसीएफ कर्मी अग्निकालीन हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पीसीएफ क्रय केंद्रों पर धान खरीद ठप है और आपको ये भी बता दें कि बीते 2 वित्तीय सत्र में ही कर्मियों को धान और गेहूं खरीद में कमीशन और लेबल चार्ज नहीं मिल रहा था, जिसके चलते ही पैसे के अभाव में पीसीएफ कर्मियों का परिवार भुखमरी पर पहुंचा है। आपको बता दें कि जिसके बाद से ही कर्मी पीसीएफ कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। अपनी मांगे ना पूरी होने पर कर्मियों ने आगे भी धरना जारी रखने की चेतावनी दे दी है। तो श्रावस्ती से खबर है जहां पर पीसीएफ क्रय केंद्रों पर धान खरीद ठप बताई जा रही है। पीसीएफ कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये जानकारी सामने आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।